हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी बॉयज रिएक्शंस। मैं हूँ आपका दोस्त हारिस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपनी इस प्यारी सी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई, रिक्वेस्ट आ गई है फिर से इंडियन वेपन्स की, भाई हथियार की, मतलब के इंडिया के पास कौन कौन से हथियार हैं। टाइटल तो मैं आपको बताता हूँ, टाइटल ये नहीं है, टाइटल दूसरा है, भारत के बस ये पांच हथियार ही चीन पाकिस्तान का बाजा बजा देंगे। ठीक है, DRDO के एल्गोरिदम में मचा दिया तूफान। DRDO के एल्गोरिदम ने मचा दिया तूफान। तो भैया, भारत के पास कौन कौन से ऐसे खतरनाक पांच हथियार हैं जो के पाकिस्तान चीन का बाजा बजा देंगे, ये तो इस वीडियो में देखना पड़ेगा। भाई मैंने पहले भी मतलब के बहुत सारी जो इंडिया के पास वेपन्स है, सीक्रेट वेपन्स है, उन पे वीडियोस बनाई है। तो इस वीडियो में देखते हैं कौन से और भी जो वेपन्स है वो दिखाए जाएंगे। तो इंडी लिंक्स न्यूज चैनल है, इस चैनल का ये वीडियो है, इस चैनल और वीडियो का लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। भारत के कौन से हथियारों से दुश्मनों में मच गया हड़कंप? भारत के किन हथियारों ने चीन पाकिस्तान की सांसों को थाम लिया? ब्रह्मोस और पिनाक पर ऐसा क्या हुआ? क्यों रोने लगे भारत के दुश्मन? दोस्तों, भारत के हथियार दुनिया को चौंका रहे हैं। भारत कुछ समय पहले से ऐसे हथियारों की तकनीक पर बेहद ही गुप्त तरीके से काम कर रहा था जो न केवल घातक हैं बल्कि उनकी ताकत और हैरान कर देने वाली है। वास्तव में भारत इन हथियारों की ताकत को लेकर उनकी रेंज और वो कितनी बड़ी तबाही कर सकते हैं इसके बारे में कभी नहीं बता रहा था, क्योंकि भारत बेवजह दुनिया में चर्चा का विषय नहीं बनना चाहता। न ही भारत अपने हथियारों के बारे में इतना हो हल्ला करता है, लेकिन जब भारत के ये हथियार बनकर सामने आए तो दुश्मनों की हालत देखने लायक हो जाती है। वास्तव में भारत ने अपनी जबरदस्त तकनीक से इन हथियारों को जिस तरह से अपग्रेड किया है, जिस तकनीक के साथ रीलॉन्च किया है, वो काबिले तारीफ है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही पांच हथियारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने दुनिया में बवाल काट दिया। इनमें से एक हथियार तो ऐसा है जो 2030 तक का सबसे विनाशक का हथियार साबित होने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो पर। K9 वज्र तोप। दोस्तों, K9 वज्र दक्षिण कोरिया की तोप है जिसे भारत में L&T कंपनी के द्वारा तैयार किया जाता है। साल 2017 में भारत ने दक्षिण कोरिया से 100 तोपों की डील की थी। इनमें से 10 कोरिया से खरीदी गई और बाकी 90 L&T के गुजरात स्थित प्लांट में तैयार की गई। ये सभी 100 तोपें भारतीय सेना को प्राप्त हो चुकी हैं। मई 2020 में पूरे लद्दाख से सटे LAC में चीन से हुए विवाद के कारण इन वज्र तोपों की पूरी रेजिमेंट यानी कि 18 तोपों को पूरे लद्दाख में तैनात किया गया था। K9 वज्र में तोप और टैंक दोनों की खूबियां हैं। इनमें आर्टिलरी यानी कि तोप खाने की रेंज और ताकत है। यह 18 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर दूर तक गोला दाग सकता है। इसका गोला एक बार बाहर निकल गया तो दुश्मन के तबाह होने की गारंटी प्राप्त हो जाती है। यह दुश्मन पर वज्र की तरह वज्रपात करता है। इस टैंक में 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर के गोले का इस्तेमाल किया जाता है। K9 वज्र तोप का अधिकतम गति 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस टैंक की रेंज 480 किलोमीटर है यानी एक बार इसमें ईंधन डालने पर यह 480 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। K9 वज्र तोप में 14.5 मिलीमीटर के RMR पियर्सिंग गोले भरे जा सकते हैं। 152 मिलीमीटर के शेल फ्रेगमेंट और एंटी पर्सनल माइंस की अत्याधुनिक सुविधा भी इस टैंक को प्रदान की गई है। इसका गोला 928 मीटर प्रति सेकंड यानी कि एक मिनट में 55,680 मीटर की दूरी तय कर लेता है। K9 वज्र तोप का वजन 47 टन है। इसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 3.4 मीटर और ऊंचाई 2.73 मीटर है। इस टैंक के अंदर 5 जवान बैठ सकते हैं। इनमें कमांडर, एक ड्राइवर, एक गनर और 2 लोडर शामिल होते हैं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर। दोस्तों, भारतीय सेना स्वदेशी पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की 6 और रेजिमेंट लाने की तैयारी में है। एक्सटेंडेड रेंज यानी कि अधिक रेंज वाली इस नई पिनाका सिस्टम को चीन से लगती सीमा LAC पर तैनात किया जाएगा। दोस्तों, पिनाका की फ्री क्लास आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है जिसके रेंज 38 किलोमीटर के आसपास है। पिनाका रॉकेट को मल्टी बैरल लॉन्चर के माध्यम से फायर किया जाता है। ये लॉन्चर पर 44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर कर सकता है। भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर विकसित किए गए इस मिसाइल सिस्टम को भारत और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तैनात करने के मकसद से विकसित किया गया था, लेकिन अब इसे चीन से लगती सीमा पर
तैनात किया जाएगा। पिनाका रॉकेट में एक बैटरी के 6 लॉन्चर व्हीकल होते हैं, साथ ही लूटर सिस्टम, रडार और लिंक वेदर नेटवर्क सिस्टम और एक कमांड पोस्ट भी होती है। एक बैटरी के जरिए इसमें एक बार में 1 किलोमीटर के पूरे एरिया को यह ध्वस्त कर सकता है, जो चीन के खिलाफ काफी कारगर हथियार साबित हो सकता है। धनुष तोप। स्वदेशी धनुष तोप की पहली रेजिमेंट को भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख से सटे एलएसी पर तैनात कर दिया है। धनुष तोप को GCF के द्वारा तैयार किया गया है। इसे बोफोर्स तोप का अपग्रेडेड वर्जन माना जाता है। धनुष एक बेहद शक्तिशाली होविट्जर है, जिसकी लंबाई 8 मीटर के आसपास है। धनुष तोप की मारक क्षमता 42 से 45 किलोमीटर तक है। इसे किसी भी मौसम में, कैसे भी हालात में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके भारतीय सेना में शामिल होने से सीमा पर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। धनुष तोप लगातार 6 घंटे तक फायरिंग करने में सक्षम है और ये प्रति मिनट 2 गोले फायर कर सकती है। M777 होविट्जर। दोस्तों, चीन की सीमा पर तैनात करने के लिए खास तौर पर अमेरिका से लाई गई अल्ट्रा लाइट होविट्जर M777 होविट्जर, यानी कि हल्की तोपों की 6 रेजिमेंट अब तक अपडेशन में आ चुकी है। अब 7वीं रेजिमेंट के ट्रायल चल रहे हैं। भारत ने अमेरिका से 145 M777 होविट्जर की खरीदारी की है। इसे इजराइल की डिफेंस कंपनी के द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन इसकी असेंबलिंग भारत में एक निजी कंपनी के द्वारा की जाती है। 155 mm अल्ट्रा लाइट होविट्जर का इस्तेमाल अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान, इराक और सीरिया के युद्ध में हो चुका है। भारतीय सेना के पास 110 तोपें मौजूद हैं। ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों, चीन से चल रहे विवाद के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को एलएसी पर तैनात किया जा चुका है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसका नाम सुनते ही चीन कांपने लगता है और पाकिस्तान के पसीने छूटने लगते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को भारतीय सेना को पहली बार साल 2007 में सौंपा गया था। ये दुनिया का एकमात्र क्रूज मिसाइल। सो गाइस, इसी के साथ ये वीडियो देख लिया है भाई। रियली ऑनेस्टली, जिस तरह से इस वीडियो में ये वेपन्स दिखाए गए हैं और उनके बारे में जो डिटेल्स दी गई है, तो सच में ये बहुत ही घातक जो वेपन्स हैं इंडिया के पास, वाकई ये हैं और सारे खतरनाक हैं। इसमें सबसे पहले K9 का बताया गया है, जो कि कोरिया से K9 जो है वो एक किस्म का टैंक है, वो भारत ने लिया है और वो काफ़ी ख़तरनाक है। उसके बारे में सारा बताया गया है कि वो कम से कम 18 से 100 किलोमीटर तक की, मतलब के रेंज तक सारा, मतलब वो टारगेट करता है, ठीक है। इसके अलावा पनिका रॉकेट के बारे में भी बताया गया है कि पनिका रॉकेट इस टाइम पे चाइना बॉर्डर के साथ, मतलब के डिप्लॉयड किया गया है सारा ये पनिका रॉकेट जो मिसाइल्स हैं इनके बारे में। और इसका ये भी बताया गया है कि ये 44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर करता है, ठीक है। इसके अलावा धनुष टोप है, उसके बारे में भी बताया गया, ये टोप जो है काफी, मतलब के घातक है और बहुत खतरनाक है। और M777 जो तोप है, जो कि अमेरिका से भारत ने ली है, उसके बारे में भी बताया गया है कि ये भी बहुत खतरनाक है, ठीक है। और ब्रह्मोस जो है वो सबसे ज्यादा, मतलब के खतरनाक वेपन है जो कि इस टाइम पे भारत के पास है। ब्रह्मोस जो कि रशिया और भारत ने मिल के बनाया है, इसके बारे में भी बताया गया है। तो ये 5 जो वेपन्स हैं, ये रियली सच में बहुत ही खतरनाक हैं। जिस तरह से इन सब के फीचर्स बताए गए हैं, तो वाकई भैया ये जितने भी वेपन्स हैं, ये भारत के पास, इंडिया के पास बहुत खतरनाक है। सो गाइस, ये वीडियो थी, इस वीडियो काफ़ी, मतलब कि इंटरेस्टिंग था, इंफॉर्मेटिव वीडियो था और अमेजिंग वीडियो था। इस वीडियो के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।